नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। आंध्र प्रदेश में एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर एक ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की संभावना भी जताई जा रही है। यह हादसा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में सोमवार देर रात को हुआ। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी आने के कारण ट्रेन रास्ते में रुक गई थी, जिसके बाद कुछ यात्री ट्रेन से उतर गए थे और उसी दौरान यह हादसा हो गया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में सोमवार देर रात कोणार्क एक्सप्रेस की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने ये जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि गुवाहाटी जाने वाली एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस के कुछ यात्री उस समय रेलवे ट्रैक पर उतर गए थे, जब बटुआ गांव में तकनीकी समस्या के कारण ट्रेन रुक गई थी। उन्होंने कहा कि 5 लोग विपरीत दिशा से आ रही कोणार्क एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। श्रीकाकुलम की पुलिस अधीक्षक जीआर राधिका ने फोन पर बताया, अब तक हमने 5 शवों की पहचान कर ली है। राजकीय रेलवे पुलिस ये पता लगाने के लिए घटनास्थल पर पहुंच रही है कि कहीं और लोग हताहत तो नहीं हुए हैं। श्रीकाकुलम जिला सूचना विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि घटना रात करीब 9 बजे जी सिगदम और चिपुरपल्ली रेलवे स्टेशनों के बीच हुई। उन्होंने कहा, कोयम्बटूर सिलचर एक्सप्रेस के कुछ यात्रियों ने विशाखापट्टनम पलासा मुख्य लाइन के मध्य खंड में चेन खींचकर ट्रेन को रोक दिया था। रेलवे विभाग के अधिकारियों के हवाले से अधिकारी ने कहा, लोगों ने दूसरी तरफ ट्रैक पर दौड़ने की कोशिश की। इसी दौरान वो भुवनेश्वर सीएसटी मुंबई कोणार्क एक्सप्रेस के बगल वाले ट्रैक पर आ गए, जिसके बाद सामने से आ रही ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने जिले के अधिकारियों को राहत कार्य शुरू करने और घायलों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। न्यूज डेस्क, रियल फ्लेवर न्यूज़।